सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकटॉक्स के फ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। जो मैं नहीं बोलता हूँ वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। तो बात करते हैं सबसे पहले पुराने पोल को लेकर। अभी सवाल यह था कि आप अपने मोबाइल फोन में सबसे ज्यादा कौन से वाले कैमरा को यूज करते हैं, तो आपसे बोला है 94% ने कि यार हम यूज करते हैं नॉर्मल वाले कैमरा को। फिर बस कुछ कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि भैया हम यूज करते हैं वो जूम वाला कैमरा, और कुछ बोलते हैं हमको चाहिए भैया अल्ट्रा वाइड वाला सीन। यहां पर दोस्तों भी ऐसे में आज का पोल आपके लिए ये है कि जो iOS 14 आया है, क्या आपको दोस्तों लगता है कि ये एंड्रॉइड से काफी हद तक इंस्पायर्ड है या कॉपी किया गया है, जो भी आप इसको बोले आप के मन के विचार दोस्तों क्या कहते हैं मुझे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में जाके पोल में नीचे कमेंट करते हुए। और हमेशा हर बार की तरह भैया देखो आज जो है वो जल्दी से बस एकदम जल्दी से दोस्तों बस दबा दो सीधा लाइक बटन को। मतलब आज की ये छठी वीडियो है, आई थिंक आज से पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है कि मैंने एक दिन में 6-6 वीडियोस पोस्ट की हूं। उसी चक्कर में यूट्यूब का नोटिफिकेशन और सारी चीजें भैया पूरा गोल होके हो गई है फुस, जो कि मैंने सोचा नहीं था इस बारे में, और इतनी वीडियोस मैंने बना दी अलग अलग और भैया सारी सारी पोस्ट कर दी। बट एनीवेज टेक न्यूज है, जल्दी से बढ़ जाते हैं आगे और बस आप अपना प्यार दे के ऐसे ही वीडियो को फेमस करते रहो। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं पहले उनको लेके निकल के आता है रियलमी की तरफ से, रियलमी XT के फटने को लेके। मतलब लॉन्च की खैर मैं खबर कवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर दोस्तों फटने की बात करें तो उनको लगा चलो यार भैया कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो फोन है ये फटा चार्ज करते समय लेने के सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर। ब्रांड बोलता है कि एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से ऐसा हुआ है, मतलब जानबूझ के डैमेज पहुंचाया गया है, बैटरी में छेद वेद किया गया है फोन को, मतलब कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस लगाए गए हैं जिसकी वजह से बैटरी फटी है। अभी एग्जैक्टली क्या है, कौन सही कौन नहीं है, जो है पूरी कहानी वो खैर फिलहाल नहीं पता। इतना मालूम है कि फोन किसी ने लिया और लेने के 24 घंटे के अंदर अंदर फोन फट गया। और ये फोन मेरे ख्याल से रियलमी XT जो है वो मिड इन चाइना तो खैर नहीं है, मतलब इनफैक्ट मेरे दिमाग में दोस्तों बात आ रही थी कि मेड इन चाइना ना बहुत सारे ब्रांड्स जैसे फॉर एग्जांपल रियलमी या ओप्पो वीवो या शाओमी की आपसे बात करता हूं या वनप्लस की आपसे बात करता हूं, तो इनके कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो मेड इन चाइना होते हैं और काफी ऐसे होते हैं जो मेड इन इंडिया होते हैं। जहां तक मेड इन इंडिया की बात है मेरे ख्याल से हमको इसको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन मेड इन चाइना की जहां तक बात है आई डोंट थिंक सो कि वो मतलब मैं तो खैर पर्सनली सपोर्ट नहीं करूंगा इस चीज को कि ब्रांड भी चाइना का और फोन भी चाइना में बने, तो आई थिंक इसको लेके तो कवरेज आप एक्सपेक्ट मत करना। लेकिन हाँ मेड इन इंडिया अगर होगा तो हमारे लिए फायदे की बात है। वैसे आपका क्या है कहना ये फोन फटना और इन सब चीजों के बारे में मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट को लेकर, निकल के आता है आईफोन 12 की लीक्स को लेकर। और भैया इतना लीक हो रहा है फोन तो बस मतलब बह जा रहा है पूरा भैया लीक होके। तो यहाँ पर दोस्तों डमीज सामने है जो बताती है कि इसमें तीन अलग अलग साइज होने वाले हैं, 5.4 इंचेस, 6.1 इंचेस और 6.7 इंचेस। अब ये 5.4 जो है दोस्तों थोड़ा छोटा हो गया है और 6.7 थोड़ा सा बड़ा हो गया है। 6.1 तो भैया सेम जो अभी हमको मिलता है आईफोन 11 वाला बिल्कुल वही सेम साइज है, तो एग्जैक्टली अभी एप्पल क्या कर रहा है भैया कैसे लीक हो रहा है। मतलब कभी डमी लीक होती है, उसके बाद में फिर कभी केस लीक हो जाते हैं, फिर कभी भैया फोन का एक रेंडर लीक हो जाता है। मतलब क्या ही हिसाब किताब है भैया, आप क्या बताएं। देखते हैं एग्जैक्टली एप्पल कब कहां कैसे इट गोल लॉन्च करता है। यहां पर दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है हमारे पास में स्नैपड्रैगन 875 के प्रोडक्शन को लेकर। और ऐसे में दोस्तों TSMC ने शुरू कर दिया है बहुत ही छोटे से 5 नैनोमीटर प्रोसेस के ऊपर भैया शुरू इसका प्रोडक्शन फिलहाल के लिए। अभी 5 नैनोमीटर पे दोस्तों आएगा तो भयंकर परफॉर्मेंस होगी और ऐसे में काफी अच्छी होगी पावर एफिशिएंसी। देखते हैं आगे क्वालकॉम इसको लॉन्च कब करता है। यहां पर दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है हमारे पास भैया रोबोटिक्स वगैरह को लेकर। भैया मतलब घर में जो लोग रोबोट्स वगैरह भैया बनाते रहते हैं या जो है एंथुसियास्ट, तो वो कैसे अपना लॉकडाउन जो निकाल रहे हैं, मतलब घर में रोबोट से अलग अलग काम करवा रहे हैं भैया, कोई केचप फैला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब अब क्या ही बताएं यार असली काम तो क्या लगता है ये लोग कर रहे हैं, हम तो बस बैठे ही हैं फिलहाल लॉकडाउन में। आपने लॉकडाउन में दोस्तों क्या कुछ नया किया कि नहीं किया मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पर दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है ASUS ROG फोन 3 के लॉन्च को लेकर। भैया बिल्कुल कंफर्म हो गया कि जो लॉन्च होने वाला है जुलाई के महीने में। अब तारीख एग्जैक्टली क्या है वो फिलहाल नहीं पता, लेकिन दोस्तों लॉन्च जुलाई में होगा। अभी देख के तो लगता है लीक के हिसाब से कि भैया फोन भयंकर ताकत लेके आएगा, मतलब बहुत ही शानदार सा फोन होगा।
लेकिन इंडिया में कब आएगा और किस कीमत पे आएगा, सबसे बड़ा सवाल इसी बात का है। यहाँ पर दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी M31S को लेके, और यहाँ पर दोस्तों 6000 mAh की बैटरी हो सकती है इस फोन में। तो सैमसंग जो है भैया वो एम सीरीज के साथ में 5000 और 6000 mAh से नीचे की लगता है बात करता ही नहीं है। तो फिलहाल के लिए देखते हैं कि एग्जैक्टली M31S जो है वो जब लॉन्च होता है इसके अंदर और बाकी का फीचर होता है, लेकिन जो बैटरी है 6000 mAh की एक दिन में तो खत्म करना मेरे ख्याल से मतलब काइंड ऑफ इम्पॉसिबल सी ही बात है। यहाँ पर दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है हमारे पास से मोटरोला के एम्फी साउंड एक्स को लेके। दोस्तों यहाँ पे तरह तरह के होम थिएटर सिस्टम्स जो है वो लॉन्च कर दिए हैं मोटरोला ने। यहाँ पे कीमत शुरू होती है 7999 रुपये से, और ऐसे में अलग अलग वैरायटी है भैया, आपको जितना चाहिए धूम धड़ाका आप उतनी ताकत का ले लो यहाँ पे अपना कंप्लीट होम थिएटर सिस्टम, और बाद में साउंड को थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर पाओगे। यहाँ पे दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है फ्लिपकार्ट की तरफ से भैया बिग दोस्तों फ्लिपकार्ट के बिग सेविंग डेज जो हैं वो आ गए हैं सामने, और यहाँ पे भैया डील्स मिल रही हैं तरह तरह की, मतलब भैया डील 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 सेल सेल सेल। तो यहाँ पे 27 जून तक का मिलने वाला है मौका, अगर आपको उठानी है भैया कुछ एक ऐसी भयंकर से अच्छी डील जहाँ पे आपको अच्छी सेविंग से मिल जाए तो वो आप फायदा फ्लिपकार्ट उठा पाएंगे। लेकिन वैसे कितना अच्छा होगा कि मतलब डिस्काउंट डिस्काउंट लगा के कुछ 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 करके मतलब 10-12 हज़ार में हमको मिल जाए हमारा कोई आईफोन, तो डील तो ऐसे अच्छी हो सकती है, क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पर दोस्तों अगला अपडेट आता है हमारे पास में एप्पल की तरफ से WWDC 2020 को लेके। तो ये दोस्तों हो गया वर्चुअल इवेंट कल, मैंने आज इससे जुड़ी भैया 5-5 वीडियोस पोस्ट कर दिए जहाँ पे ब्रांड न्यू iOS 14 है, मैक OS बिग सर है, उसके बाद दोस्तों iPad OS 14 है, वॉच OS 7 है, एप्पल अपने खुद के प्रोसेसर्स बनाने वाला है मैक्स के लिए। तो मतलब काफी सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स निकल के आए हैं, मैं वीडियोस खैर बना चुका हूँ सबके लिए, काफ़ी कुछ नया लगा है, काफ़ी कुछ चीज़ें सेम है, कुछ कुछ बदल गया है, मतलब एकदम से कुछ चीज़ें तो ऐसी हुई है कि भैया हालात जज्बात और सारी चीज़ें भैया बदल के रख दी एप्पल ने। तो एग्जैक्टली आपका क्या कहना है नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर छोड़िएगा, काफी वैल्यूएबल होती है। यहाँ पर दोस्तों अगला अपडेट आता है हमारे पास में जियो की तरफ से, हमें भैया 222 रुपये का आया है रिचार्ज पैक जहाँ पे डिज्नी प्लस हॉटस्टार मिल रहा है पूरे एक साल भर के लिए, और भैया 15 GB का डेटा भी मिल रहा है। लेकिन ये स्कीम जो है वो सबके लिए नहीं है, ये कुछ सिलेक्टेड यूजर्स को भैया आ रहा है ऑप्शन, सबके पास में ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो खैर अब मैं तो बता ही चुका हूँ आपको स्कीम, तो आप देखो चेक करो क्या पता आपको ये ऑप्शन मिल जाए जो एक काफी अच्छी डील हो सकती है। यहाँ पे दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है हमारे पास में साइबर क्राइम को लेके। तो भैया मैकेफी का ये कहना है कि बहुत से लोग दोस्तों ऐसे होते हैं जो इंटरनेट पे सर्च करते हैं, जो कुछ वेब सीरीज होती हैं दोस्तों, कुछ शोज वगैरह होते हैं जो फ्री में अवेलेबल नहीं होते हैं, तो वो जब उनका डाउनलोड करने के लिए भैया सर्च करते हैं इंटरनेट पे जगह जगह तरह तरह की वेबसाइट्स पे जाते हैं, तो वहां से चांसेस ये होते हैं कि वो साइबर क्रिमिनल्स उनको टारगेट करते हैं। तो फिलहाल के लिए डेली क्राइम और मर्दानी 2 ये दोस्तों ऐसे दो एंटरटेनमेंट पीसेज हैं जिनको सर्च करते समय सबसे ज्यादा टारगेट किया गया लोगों को। क्या आपके पास में आपके साथ में आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि आपने कुछ डाउनलोड करने के चक्कर में कुछ वेबसाइट्स को विजिट किया, फिर चाहे वो कोई मूवी थी या कोई गेम था या कोई सॉफ्टवेयर था जो भी था, और उस चक्कर में आपके कंप्यूटर के अंदर कुछ ना कुछ भैया आ गया बाहर से इन्फेक्शन, मन की बात क्या है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पर दोस्तों अगला अपडेट निकलता है हमारे पास में जापान के भैया एक ब्रांड न्यू सुपर कंप्यूटर को लेकर, जो कि दोस्तों बन गया है वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, और यहाँ पर दोस्तों इसका नाम है फुगाकू। तो ये दोस्तों एक फुजित्सु ने बनाया है कंप्यूटर, मतलब भैया कंप्यूटर क्या है तो समझ लो बहुत बड़े वेयरहाउस के अंदर भैया पूरा सिस्टम जमा कर रखा हुआ है फुजित्सु ने। तो ये है वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, मतलब इससे तेज अब क्या होगा। वैसे आपके फोन के प्रोसेसर में कितनी ताकत है दोस्तों, क्या लगता है मतलब बोलते ना उसको कि ये कर सकता है वो कर सकता है, मतलब अगर आपको कभी इक्वेट करके लिखना पड़े कि भैया इसमें इतनी ताकत है कि ये डैश, क्या लिखोगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। यहाँ पर दोस्तों लास्ट अपडेट निकल के आता है हमारे पास में एप्पल के सप्लायर फॉक्सकॉन की तरफ से, जहां पर दोस्तों फॉक्सकॉन जो है वो अभी इंडिया में और इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहा है। तो मतलब इंडिया में और दोस्तों फर्दर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह स्टार्ट होगी, फिर चाहे वो आईफोन के लिए हो या किसी और ब्रांड के लिए हो। फॉर एग्जाम्पल आई थिंक शाओमी की भी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में फॉक्सकॉन ही करता है, आई थिंक फॉक्सकॉन करता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो एनीवेज ये दोस्तों भी सीन इंडिया में कंपनीज आए और ऐसे ही आती जाएं तो बहुत अच्छी बात होगी, जहां पे मतलब काफी अच्छा लगेगा कि मतलब जितने भी ज्यादातर जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं स्मार्टफोन्स के वो अगर एक के बाद एक इंडिया में बनने शुरू हो जाएं तो सोचो फिर मजा ही मजा। दोस्तों बस फिलहाल में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक भी दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। दोस्तों फिलहाल में इतना ही, जय हिंद वंदे मातरम।